भादों कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है यह 2 सितंबर को है और साथ ही यह सोमवार के दिन होने के कारण सोमवती अमावस्या हो गई है और सोमवती अमावस्या होने के कारण इसका महत्व जो है वह बढ़ जाता है। इसके साथ ही यह कुसोत्पाटनी अमावस्या भी कहलाती है और साथ ही साथ यह पोला अमावस्या भी कहलाती है। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें, माँ नर्मदा में स्नान करें, गंगा जी में, यमुना जी में, जो आपके निकट पवित्र नदी हो उस नदी में स्नान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष की शांति होती है। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो हम पितृदोष की शांति के लिए उपाय बता चुके हैं उन उपायों को भी व्यक्ति को करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन ही राहु केतु और शनि की शांति के लिए भी हम उपाय कर सकते हैं। मछली को आटे की गोली खिलाएं, चींटी को आटा डालना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो गरीब मनुष्य हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं, उन सभी को उनकी जरूरत के अनुसार व्यक्ति को अन्नदान या वस्त्रदान इत्यादि करना चाहिए। और यह सोमवती अमावस्या जो पड़ रही है, इस सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप पीपल का वृक्ष, आंवले का, तुलसी का, नीम का, बड़ का, गुलर सभी इत्यादि के वृक्ष यदि आप लगाते हैं तो नवग्रहों के द्वारा जनित जितने भी उपद्रव हैं, जो भी कष्ट संकट आपके जीवन में आ रहे हैं, तो सारे संकट भी दूर होंगे। यह कुसोत्पाटनी अमावस्या भी कहलाती है, अर्थात आपके पूजन पाठ यज्ञ इत्यादि कार्यों के लिए साल भर जो भी कुशा आपको लगती है उस कुशा को इस दिन अभिमंत्रित करके और उखाड़ करके अपने घर में ला करके उसका पूजन किया जाता है। इसलिए इसको कुसोत्पाटनी अमावस्या भी कहती है या पोला अमावस्या भी है। इस दिन पशुधन जो है उस पशुधन का, बैल का, बैल की जोड़ी का पूजन भी किया जाता है। और यदि इस दिन व्यक्ति भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है तो नवग्रहों के द्वारा भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। जन्म कुंडली में जो दोष आ गए हैं उन दोषों की भी शांति होगी। यदि आपको संतान सुख नहीं है तो आपको इस सोमवती अमावस्या के दिन निश्चित ही भगवान का लघु रुद्र या रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि इस दिन भगवान शिव का पूजन किया जाए, भगवान का रुद्राभिषेक किया जाए तो सौभाग्य सुख की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में जो भी संकट है वे सारे संकट दूर होते हैं।